आप जब ये हलवा बनाकर फैमिली को खिलाएंगे तो उनको बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये सूजी का हलवा है, ये बिल्कुल मूंग दाल हलवे जैसा लगता है। इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। सूजी का दूध वाला हलवा बनाने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर 1 बाउल सूजी, और ये बारीक वाली सूजी है। जिस बाउल से आपने सूजी को मेजर किया है उसी बाउल से हम 1 कप दूध ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। दूध हमारा यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर है, ना तो ये ठंडा है और ना ही ये गर्म है। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस प्रोसेस से सूजी का हलवे का जो टेक्सचर है और टेस्ट है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। आप जब ये हलवा बनाकर फैमिली को खिलाएंगे तो उनको बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये सूजी का हलवा है, ये बिल्कुल मूंग दाल हलवे जैसा लगता है। इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। लगभग आधे घंटे के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे और उसके बाद ही आगे का प्रोसेस करेंगे। लगभग आधा घंटा हो गया है और हमारी सूजी दूध में अच्छी तरीके से फूल गई है। ये देखिए ये कितनी अच्छे से फूल गई है। और एक और बात, हमने जो यहाँ पर ये सूजी को भिगोया था ये बारीक वाली सूजी हमने यहाँ पर ली थी। अगर आप बारीक सूजी से हलवा बनाते हैं तो बहुत टेस्टी हलवा बनता है। तो चलिए अब हम इसको एक साइड में रखेंगे और शुगर सिरप की तैयारी करते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए हमने एक यहाँ पर सॉस पैन रख लिया है और उसके अंदर हम डालेंगे 1/4 बाउल चीनी। चीनी भी हमने उसी बाउल से मेजर की है जिस बाउल से हमने सूजी को मेजर किया था। और अब हम डालेंगे 3 बाउल पानी। 3 बाउल हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो चलिए गैस को हम ऑन कर लेते हैं। शुगर सिरप बनाने में पानी और चीनी को हमने जब तक पकाना है जब तक चीनी हमारी अच्छी तरीके से घुल नहीं जाती, और गैस की फ्लेम को हम फुल रखेंगे और बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे। इस हलवे को बनाते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, इसका सारा मेजरमेंट आपको एक ही बाउल से करना है। ये देखिए चीनी यहाँ पर पानी में अच्छे से मेल्ट हो गई है, बस पानी को हम थोड़ा सा और बॉइल कर लेंगे। ये देखिए पानी भी हमारा अच्छे से बॉइल हो गया है, गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसके अंदर हम लगभग 2 चुटकी फूड कलर है ये ऐड कर देंगे। इससे जो हलवे का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह केसर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए शुगर सिरप हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। हमने यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई रखी है और इसके अंदर हम घी डालेंगे। घी भी हमने उसी बाउल से मेजर किया है जिस बाउल से हमने सूजी मेजर की थी, और ये भी आपको उतना ही डालना है जितनी सूजी डालनी थी। घी को हम बस केवल हल्का गर्म करेंगे। ये देखिए घी हमारे यहाँ पर मेल्ट हो गया है, बस गैस को अब हम बंद कर देंगे। हमें बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गर्म करना है। अगर आपने घी को तेज गर्म कर लिया तो उससे क्या होगा, जो हमारी सूजी है दूध के अंदर भीगी हुई है और वो इसके अंदर चिपक जाएगी, इसीलिए आपको घी बहुत हल्का गर्म करना है। तो चलिए अब हम इस घी के अंदर ये सूजी वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे और गैस को हमने बंद कर दिया है। इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि ये वाला मिक्सचर जब आप ऐड करें तो गैस को बंद कर दीजिएगा। गैस हमारी अभी भी बंद है। इस सूजी और घी को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये इस हलवे का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो ये हलवा आपका बहुत बढ़िया बनेगा। आप देख सकते हैं मैं इस मिक्सचर को घी के अंदर कैसे मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए सूजी वाला जो मिक्सचर है वो घी के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू स्लो के बीच में रखेंगे। और गैस ऑन करने के बाद अब हमने इसको कंटिन्यू स्टर करना है। ये देखिए हम इसको कंटिन्यू स्टर कर रहे हैं और आपने देखा सूजी भी जल्दी जल्दी से फूलना स्टार्ट हो गई है, और इसीलिए आप इसको कंटिन्यू स्टर कीजिएगा। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो सूजी के चिपकने का डर रहता है। ये देखिए कितनी जल्दी से, 1 मिनट भी नहीं हुआ है और ये फूलना शुरू हो गई है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम को फुल नहीं करना है। फुल फ्लेम पर अगर आप सूजी के मिक्सचर को भूनेंगे ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। जब हल्की आंच पर स्लो फ्लेम पर हम सूजी का मिक्सचर को भूनते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
और वैसे भी हलवे की जो भुनाई होती है वो हमेशा स्लो फ्लेम पर ही होती है। हम इस सूजी को भूनते वक्त ही इसके अंदर ये दो छोटी इलायची है जिसको हमने पीस के रखा है, ये भी ऐड कर देंगे। ये जब छोटी इलायची इस सूजी के साथ भुनती है ना, उसका खुशबू और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ये देखिए कितनी जल्दी से ये फूलने लगी है, और भी ज़्यादा फूल गई है। बस आपने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बस कंटिन्यू इसको स्टर करना है। और सूजी को आपने जब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से घी भी अलग ना हो जाए। ये जो स्टार्टिंग वाला प्रोसेस है ना, बस ये थोड़ा मेहनत वाला है, उसके बाद आपको सूजी का हलवा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये हलवा आपको इतना टेस्टी लगेगा कि सूजी का हलवा जब भी बनाएंगे ना तो आप ऐसा ही हलवा बनाएंगे, दूध के साथ ही बनाएंगे। ये देखिए जैसे जैसे भुनने लगेगा ये वैसे वैसे लाइट हो जाएगा, आपको भूनने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये देखिए सूजी को भूनते भूनते इसमें से घी अलग होने लगा है, लेकिन सूजी का कलर अभी वैसा नहीं आया है जैसा हमें चाहिए, इसीलिए हम इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। तो ये देखिए हमारा जो सूजी है वो अच्छी तरीके से भून गई है, कलर बहुत अच्छा आया है और इस पर खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है, और भूनते भूनते ये बिल्कुल लाइट हो गई है, इसको भूनना बिल्कुल आसान हो गया है। ये देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से भून गई है, इस तरीके का टेक्सचर आपका होना चाहिए। और इस स्टेज पर हम इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर देंगे जिससे वो घी के साथ ही भून जाए। 1 टेबल स्पून हमने डाला है पिस्ता, 10 से 12 काजू, थोड़े से बादाम और थोड़ा सा है ये ड्राई कोकोनट। इसको हमने पीसेस किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। बस थोड़ी देर के लिए हम इसको भून लेंगे और ये जो हलवे के घी के साथ ही ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी भून जाएंगे। ये देखिए सूजी का रंग थोड़ा और भी अच्छा हो गया है। बस अब हमने हमारे ड्राई फ्रूट्स भी भून गए हैं, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर सिरप को और गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। शुगर सिरप को ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को अब हम फुल करेंगे और दोबारा से इसको हम कंटिन्यू स्टर करेंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है, इसको इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। हमने इसके अंदर किशमिश ऐड नहीं की है, लेकिन अगर आप चाहें तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, और चिरौंजी अच्छी लगती है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको जैसे जैसे मिक्स कर रहे हैं शुगर सिरप के साथ में, ये थोड़ा थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गई है। ये देखिए सूजी और भी ज़्यादा थिक होने लगी है, इसको हम स्टर करते रहेंगे। जिस तरीके से हम मूंग की दाल के हलवे की भुनाई करते हैं शुगर सिरप डालने के बाद, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही भुनाई होगी इस हलवे की भी। ये देखिए भूनते भूनते ये और भी ज़्यादा थिक होने लगा है, और आपको इसी तरीके से इसको स्टर करना है। आप देख सकते हैं जो सूजी है उसने शुगर सिरप को पूरी तरीके से सोक कर लिया है। इस स्टेज पर ये देखिए ये पूरी तरीके से अब थिक होने लगा है। इस स्टेज पर आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको हमने बिल्कुल अच्छे से थिक कर लेना है जब तक कि इसमें से घी बिल्कुल बढ़िया से सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए अब हम जैसे जैसे इसको घुमा रहे हैं ये बिल्कुल वैसे वैसे ही घूम रहा है, लेकिन इसको अभी हमने और भूनना है जब तक कि इसका घी अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए साइड में पूरा घी अच्छे से सेपरेट होने लगा है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और भूनेंगे।
तो ये देखिए हलवे को भूनते भूनते ये स्टेज आ गई है कि घी पूरी तरीके से सेपरेट होने लगा है और ये बिल्कुल परफेक्टली थिक हो गया है जैसा हलवे का टेक्सचर होता है। इस तरीके के टेक्सचर आने तक आपको अच्छे से भूनना है। और इस समय मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा और आपका मन कर रहा होगा कि आप इसको जल्दी से बनाएं और खाएं। वैसे भी सारे इंग्रेडिएंट्स हमेशा घर पे ही रहते हैं, अष्टमी और नवमी का पूजन बिल्कुल पास में है, तो अब की बार आप यही हलवा बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी पूरी फैमिली को भी अच्छा लगेगा। आप एक बार इस दूध वाले सूजी के हलवे को बनाएंगे ना, तो आप कभी भी दूसरा सूजी का हलवा नहीं बनाएंगे, हमेशा यही वाला बनाएंगे। और एक और बात हम आपको गारंटी से कह सकते हैं, आप जब ये हलवा सर्व करेंगे तो खाने वाले को बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये सूजी का हलवा है, ये बिल्कुल मूंग दाल हलवे जैसा ही लगता है। आपको इस हलवे में जो ये देसी घी अलग से दिख रहा है, एक्स्ट्रा दिख रहा है, आप इस हलवे को लीजिए और एक स्ट्रेनर में डाल दीजिए, उससे जितना भी एक्सेस ऑयल है, जितना भी एक्सेस देसी घी है, वो सब निकल जाएगा और उस घी को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं हलवा बनाने में या सब्जी में या रोटी के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सब्जी बनाने में अगर ये वाला घी यूज़ करते हैं तो आपकी सब्जी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है। इतने टेस्टी हलवे के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, इसीलिए लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर हमें ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। साथ ही इज़ी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।